तो इस सेक्शन में हालांकि डेटा जो मैं आपको दिखाऊंगा वो यूनाइटेड स्टेट्स की एथेनॉल प्रोडक्शन का है लेकिन वो किसी जगह का भी हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में भी नब्बे हज़ार गैलन तकरीबन बना लेते हैं यहाँ पे ये भी लेकिन उसका मकसद कुछ और होता है थोड़ा बहुत शायद रिफाइनरी के लिए भी इस्तेमाल मिक्स करने के लिए भी इस्तेमाल होता है लेकिन ज़्यादातर उसका जो मकसद होता है वो मेडिसिनल होता है कि उससे कोई अल्कोहल जो भी मेडिकल इस्तेमाल के लिए जो अल्कोहल बनाते हैं ना वो इससे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं इससे तो ये अब ये देखें गैसोहल जिसकी मैंने आपके पहले बात की थी ई सिक्स ई टेन छः फीसद से दस फीसद एथेनॉल जो है वो उसमें आ, अगर गैसोलीन में मिला लें तो वो वो गैसोहल बन जाता है ई एटी फाइव का मतलब एटी फाइव परसेंट ऐथेनॉल प्लस गैसोलिन इसका कोई ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसका काम नहीं है ज़्यादातर मुख्तलिफ़ुम के केमिकल्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है ई नाइन्टी फाइव इसका मतलब नाइन्टी फाइव परसेंट एथेनॉल राइट? Right? नाइन्टी फाइव परसेंट एथेनॉल ये वो जिसकी बात रहा था मेरे बहुत डेंजरस होती है जो लोग बना के पी पीने की कोशिश करते हैं तो उससे वो बहुत ही आसान सी चीज़ है ना कि इस तरह अल्कोहल किसी चीज़ से निकाल के उसको मत मतलब फर्मेंट करके डिस्टिलेट करके फिर उसको पी लेना या जो कुछ करना तो ये डी नेचर्ड एथिन जो होता है ई नाइन्टी फाइव दिस इज़ वेरी डेंजरस वो बिल्कुल सारे जिसम से जितने आपके पानी है वो बिल्कुल खींच के निकाल लेता है बिल्कुल डिहाइड्रेट कर देता है लोग मर जाते हैं इस तरीके से लेकिन ये यही वो है ई जो कि हम जख्मों की एंटीबैक्टीरियल है उसको साफ़ करने के लिए वो जो इस्तेमाल करते हैं इसमें ही करते हैं ई पहले वाले में देखें आप ई सिक्स और ई टेन की का जिक्र था जो कि हमारे पास भी पाकिस्तान में भी ये ई सिक्स और ई टेन तक के मिल जाता है अगर आप जाके देखें कि इसमें कितना ऐड किया हुआ है लेकिन कुछ जगह हैं दुनिया में जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो उसकी वजह ये अब ये देखें के, ये केस है मैनीसोटा का मेनीसोटा ऐसी जगह है जो पा अमरीका के सेंटर में है तकरीबन तो जहाँ पर ज़्यादातर कॉर्न वगैरह की सोयाबीन और कॉर्न कॉर्न जो है ना वो वहाँ पर उगता है क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा तादाद में है ये कि उन्होंने कहा कि अच्छा दस फीसद तो नहीं बीस फीसद कर देते हैं तो कम से कम जो उनकी लोकल प्रोडक्शन होती है उसकी खपत हो जाती है उसका कुछ अफेक्ट ज़रूर होता है इंजन वगैरह के ऊपर लेकिन वो बीस फीसद तक के टॉलरेबल है बीस फीसद से ज़्यादा होगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर ई डीज़ल है अब डीजल का मैंने आपको एसरिफिकेशन प्रोसेस बताया था एक मॉड्यूल के अंदर कि उसमें आप एथेनॉल से डीजल मतलब डीजल बना सकते हैं अगर ये ऑयल इस्तेमाल करें तो जैसे रैप सीड ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है उससे डायरेक्ट डीजल भी बनाया जा सकता है फिर बायो डीज़ल जो है बायो डीज़ल भी यही चीज़ें जिसकी मैंने अभी बात की थी वो और उसके अलावा भी अब आपके पास कितने सारे मैकडोनल्ड वगैरह आ गए ना अब मैकडोनल्ड्स क्या करते हैं वो खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं ना खाने का तेल इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं उस तेल को बे भे, फेंक तो, तो नहीं हैं कि इतना सारा तेल है सारी मुल्क में इतना सारा तेल निकला है तो उसको क्या करेंगे तो फिर उसका डायरेक्ट कन्वर्जन है डीजल में बहुत आसानी से हो जाता है तो ये आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी कि लोग जो है कहीं फंस गए थे तो वहाँ से उन्होंने दुकान वाले से खाने का तेल लेके गाड़ी में डाला और वो गाड़ी चल पड़ी तो ये डीजल वाला जो इंजन होता है उसमें पॉसिबल होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो जब हम इंटरनल कम्बशन इंजन की बात कर रहे थे कि कंप्रेशन डीजल में इतना ज्यादा होता है कि अगर तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी है तो उसको इग्नाइट कर सकता है ये वो अपने पेट्रोल वाली गाड़ियों में ये नहीं हो सकता पेट्रोल वाली डाली गाड़ी में अगर ये आप पकोड़े बनाने वाला तेल डालेंगे तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी आपको डीजल वाली गाड़ी के अंदर अलबत्ता ये हो सकता है कि टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कि लोग इस्तेमाल करते हैं कई जगह ऐसे अफ्रीका में ऐसा है कि ये लोग इस्तेमाल ही ये है करते हैं जाके दुकानों से उनका वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जाके जितना भी इस्तेमाल शुदा तेल होता है उसको लेके थोड़ा सा फ़िल्टर कर लिया कचरा निकाला वो फिल्टी डीजल वाली में डाला और चले नुकसान क्या है नुकसान ये है कि जो उसकी प्रोडक्ट जो होती है ना पीछे से टेल पाइप से जो निकलती है वो बहुत ही गहरा कस्म का धुआं निकलता है उसके अंदर तो इन्वामेंट के लिए वो बड़ी परेशानी के बायस होता है तो वो वो चीज़ें अब उसके अलावा जितने भी सारी चीज़ें हैं वो ये सारी लिस्ट बनी है यहाँ पे उसके अंदर ये सारी किस्म के कॉम्बिनेशन जो है वो उसके इस्तेमाल होते रहते हैं अब मैं मिड वेस्ट की बात कर रहा था ये जिसकी जो राइट हैंड साइड पर अमरीक का नक्शा है उसमें दो नंबर की जो जगह है ना वो मिड वेस्ट है इसको मिड वेस्ट कहते हैं वहाँ पर मैं भी पढ़ने भी वहीं गया था एलेनोए के अंदर वो भी मिड वेस्ट के अंदर है मिनिसोटा की बात की थी मैंने वो भी मिड वेस्ट के अंदर है तो मिड वेस्ट ऐसी जगह है जो बिल्कुल फ्लैट है सबसे सिर्फ मिड वेस्ट नहीं उसके आसपास नंबर चार वाले जो हिस्सा है वो भी थोड़ा सा फ्लैट है तो वहाँ फ्लैट होने की वजह से वहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है और एग्रीकल्चर वो क्या करते हैं ज़्यादातर है कॉर्न या सोयाबीन कॉर्न या सोयाबीन बाकी बाकी चीज़ें तो कैलिफोर्निया फ्लोरिडा वगैरह में आती हैं ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पर मिड वेस्ट में ज़्यादातर यही होता है मीलो मीलो चले जाएँ वो जनाब सिर्फ कॉर्न नज़र आ रहे हैं या सोयाबीन नज़र आ रही दोनों ऐसी चीज़ें जो हर ज हर चीज़ हर खाने की चीज़ में उसका थोड़ा बहुत दखल होता है अब देखें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप लेफ्ट साइड पे जो बार ग्राफ देखें मिनीसोटा से कितना निकलता है फ्यूल एथेनॉल प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा होती है और वो बढ़ती चली जा रही है इसी वजह से उनका प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने कहा कम अज़ कम हम अपने स्टेट के अंदर बीस फीसद तक के एथेनॉल का एडिशन चा जायज़ करार देते हैं क्या उसको गैस पेट्रोल में मिला के उससे चलाएं तो वो उनका वो है सारी दुनिया को फ़राम करने का जो है हिस्सा उनके ज़िम्मे आता है ये एथेनॉल का काफ़ी सारी जगह चाइना की सबसे बड़ी इम्पोर्ट अमेरिका से ज़्यादातर चीज़ें चाइना से अमेरिका जाती हैं सोयाबीन कॉर्न ये दो चीज़ें हैं जो अमेरिका से चाइना जाती हैं जो सबसे बड़ा ट्रेड जो होता है जिस चीज़ का कमोडिटी का अमेरिका से चाइना में वो ये है